छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रावास की संख्या काफ़ी मात्रा में है, जहां आदिवासी बच्चे छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। ग्राम केसरी टोला में छात्रावास में रहने वाले बच्चों के साथ शिक्षकों के द्वारा मारपीट किया गया है। ये घटना छत्तीसगढ़ की पहली घटना है। बच्चे लोग करीबन 3:30 या 4 बजे पहुँचे कल, और यहाँ कोई भी फोन नहीं किया कि तुम्हारे बच्चे घर में पहुँचे या नहीं पहुँचे, कोई खबर नहीं मिला। जबकि यहाँ हर सर के पास मतलब हर पालक का मोबाइल नंबर है, किसी भी पालक को अभी तक का नहीं पूछे। यहाँ आए थे और जो अध्यक्ष है ना, तरंग के साथ बातचीत किया, उसके बाद वापस गए हम लोग यहाँ से। बच्चे क्या बताए घर पे गए तो? बच्चे लोग बता रहे थे कि सर लोग बिना गलती के मारते हैं, ऐसे कुछ डांटते हैं, ऐसे करते हैं, और कुछ निशान भी दिखा रहे थे यहाँ यहाँ पे को मारे हैं ऐसा करके। मैं एक दिन मैं याद कर किसी प्रश्न उत्तर तब मैं यादल बोले हूँ, वो एक दो ठन बुलाए तब उन्हें मारी सिमला। किसने मारा आपको? मैडम। और क्या समस्या है आपको? मैडम गाड़ी गलत है, गुनागरी का है, 5 साल सब जन गुनागरी का है। आप क्या चाहते हैं? मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता। तो कहाँ पढ़ना चाहते हैं? अपन गाँव में। तो अभी आप अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ाना चाहते, अगर सुरक्षित रहेगा ऐसे तब भाई, और ऐसे लापरवाही करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। इस वीडियो को मैं इसलिए बनाई, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बच्चों को मारना पीटना कानूनी अपराध है। मैं चाहती हूँ कि जिला शिक्षा अधिकारी BL कुर्रे का नंबर है 098-26-12-77-44, इस नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं। जो इस तरह से कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई करने में मदद करें। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।